गाइस आज हम बनाएंगे एक ड्रीम कार पोस्टर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी ऑन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करना होता है। मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग में। बैकग्राउंड इरेज करने के बाद फाइल में से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू और इसे हम रीनेम करेंगे अपने पोस्टर के नाम से। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पिक्सल्स और इसकी विड्थ को रखेंगे 3000 और इसकी हाइट को रखेंगे 4700। फिर इसे करेंगे ओके। अब हमारी एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुकी है। अब हम इंपोर्ट करेंगे कार की इमेज, फिर इसका साइज बढ़ाकर इसे यहाँ सेट करेंगे, फिर ऊपर से करेंगे डन और इसे थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे। अब बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर बनाएंगे, फिर प्रेस करेंगे शिफ्ट F5 और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कलर। फिर हम इसका कलर चेंज करेंगे, फिर इसे करेंगे ओके। अब इसके ऊपर एक और न्यू लेयर बनाएंगे, फिर प्रेस करेंगे शिफ्ट F5 और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कलर और इसका भी हम कलर चेंज कर लेंगे। फिर इसे करेंगे ओके। अब लेयर 1 पर ऐड करेंगे मास्क, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट और लेफ्ट क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। अब लेयर 2 पर ऐड करेंगे मास्क, फिर लेफ्ट क्लिक करके इसे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। ये होने के बाद हम इंपोर्ट करेंगे स्काई बैकग्राउंड, फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज बढ़ाकर इसे यहाँ सेट करेंगे, फिर ऊपर से करेंगे डन। अब इसके ओपेसिटी को सेट करेंगे 20%, फिर इस पर ऐड करेंगे मास्क। अब ग्रेडियंट सेलेक्ट करके इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। अब हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल इमेज, फिर कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज कम करेंगे और इसे सेट करेंगे सेंटर में। अब लेयर 1 और लेयर 5 को सेलेक्ट करके इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब लेयर 1 के ऊपर बनाएंगे एक न्यू लेयर, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पेन टूल, फिर जूम करके यहाँ सेलेक्शन बना लेंगे। अब प्रेस करेंगे शिफ्ट F5 और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्लैक, फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल D और फिल्टर में से ओपन करेंगे गॉशियन ब्लर और इसे सेट करेंगे 20 पिक्सल्स पर, फिर इसे करेंगे ओके। अब इस लेयर पर ऐड करेंगे मास्क, फिर ग्रेडियंट सेलेक्ट करके इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। अब इस लेयर के ऊपर बनाएंगे एक और न्यू लेयर, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पेन टूल, फिर जूम करके यहाँ सिलेक्शन बना लेंगे। अब प्रेस करेंगे शिफ्ट F5 और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्लैक, फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल D, अब फिल्टर में से ओपन करेंगे गॉशियन ब्लर, फिर इसे 20 पिक्सल्स पर ओके करेंगे। अब इस लेयर पर ऐड करेंगे मास्क, फिर ग्रेडियंट सेलेक्ट करके
इसे ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। अब इन दोनों लेयर्स की ओपेसिटी को 80% पे सेट करेंगे। ये होने के बाद अब हम मॉडल लेयर की करेंगे कॉपी, फिर इसे कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, फिर करेंगे रेस्टराइज। अब फिल्टर में से ओपन करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। फिर इसके एक्सपोजर को सेट करेंगे 15 पर, वाइब्रेंस को सेट करेंगे 17 पर और सैचुरेशन को रखेंगे 16 पर। फिर इसे करेंगे ओके। ये होने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्मच टूल, फिर ब्रश प्रीसेट में जाकर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हेयर ब्रश। इससे हम सेट करेंगे हमारे मॉडल का हेयर स्टाइल। अगर आपके पास हेयर ब्रश नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ये होने के बाद फिर इस लेयर की करेंगे कॉपी और ब्रश प्रीसेट में से सेलेक्ट करेंगे स्किन रिटच ब्रश। फिर इस थंबनेल पर राइट क्लिक करके चूज करेंगे सेलेक्ट पिक्सल्स, फिर मॉडल के फेस पर जूम करेंगे और इसे हम करेंगे अपने मॉडल का स्किन रिटच। अगर आपके पास स्किन रिटच ब्रश नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ये होने के बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। अब यहाँ से ओपन करेंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, फिर इसे करेंगे क्लिप और ब्राइटनेस को सेट करेंगे 15 पर। अब प्रेस करेंगे कंट्रोल आई, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्रश टूल, ओपेसिटी और फ्लो को रखेंगे 100%। फिर इस तरह से मॉडल के फेस पर ब्रश करेंगे। अब मॉडल लेयर पर जाकर यहां से ओपन करेंगे ग्रेडियंट और इसे नीचे की तरफ सेट करेंगे, फिर इसे करेंगे ओके। अब फिर से ओपन करेंगे ग्रेडियंट, फिर इसके एंगल को सेट करेंगे 90 डिग्री पर और इसे सेट कर देंगे लेफ्ट साइड में, फिर इसे करेंगे ओके। अब मॉडल लेयर पर जाकर एफएक्स में से ओपन करेंगे इनर शेडो और इसके ब्लेंड मोड को रखेंगे लीनियर डजेट, फिर कलर सेलेक्ट करेंगे लाइट येलो, फिर इसे करेंगे ओके और ओपेसिटी को रखेंगे 22% पर, एंगल को सेट करेंगे 45 डिग्री पर, डिस्टेंस को रखेंगे 37 पिक्सल्स और साइज रहेगा 65 पिक्सल्स पर, फिर इसे करेंगे ओके। अब इन सभी लेयर्स को करेंगे मर्ज। अब फिल्टर में से ओपन करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर, फिर यहाँ से जाएंगे प्रीसेट में और इनमें से सेलेक्ट करेंगे डेजी
इस प्रीसेट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसकी ओपेसिटी को सेट करेंगे 36% पर। फिर यहाँ से ओपन करेंगे ग्रेडियंट और इसे सेट करेंगे बॉटम में, फिर इसे करेंगे ओके। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे अपना टेक्स्ट। इसे हम सेट करेंगे डिज़ाइन के सेंटर में। तो गाइज अब हमारा ड्रीम कार पोस्टर एडिट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।